लोह कड़ाए को वहीं घिस डाला, तत्काल बचा रहा जो अंश वह दिया समुद्र में डाल। मेरे भैया जो बचा हुआ कड़ समुद्र में फेंक दिया है, उसे मछली ने ले लिया है, मछली ने खा लिया। मेरे भैया घिसा हुआ तिसारा कांस बन गया, उस मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया है, उसे चीर कर लोहे को निकाला, बाण के लिए एक सर बनवाया है। उसी समय भगवान कन्हैया अबुराई में जा पहुंचे, वहीं युद्धवंशियों में झगड़ा हो गया, कांस को उखाड़ कर जब धरती में मारा है तो तीन धार का तिधारा बन जाता है महाराज। उसी से यदुवंशियों का विनाश होने लगा। अबराई में धर्माद सभी पहुंचे, भुजा पसार कर मिले, कृष्ण ने सबके चरण स्पर्श किए हैं। तब श्री कृष्ण ने सबको ज्ञान दिया है कि हे धर्मात्मा, सब कुछ मैं हूं, जो हूं सब कुछ मैं हूं। हवा पानी समुद्र की लहरें सब कुछ मैं हूं। सभी ओंकार का निर्भर है। जब कलयुग का अंत समय आएगा तो भगवान कन्हैया ने यह ज्ञान दिया था कि सुनो यदुवंशियों, जब कलयुग का अंत समय आएगा, कलयुग में माँ बहन पुत्रियों को गलत दृष्टि से देखा जाएगा और मेरे धर्म की संख्या कम होगी और अधर्म पापी आगे के लिए बढ़ता चला जाएगा। पुत्री माँ बहन की तरफ इंसान गलत दृष्टि से देखेगा, हर जात में व्यभिचार होगा। और यहां तक भी बताया गया था, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया था कि गौ माता को भी कटवाया जाएगा और बाजार में बेचा जाएगा जब कलयुग का अंत समय आएगा। भगवान ने कह दिया कि जब यदा यदा धर्मस्य गिला निर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब मेरे धर्म की संख्या कम होती है, अधर्म की संख्या ज्यादा होती है, तब तुम मैं पापियों के विनाश के लिए जन्म लेकर के आऊंगा। और जब कलयुग का अंत समय आएगा तो मैं संबल में शम्बल नगरिया में कलिक रूप धारण करके ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेके आऊंगा और पापियों का नाश करूंगा। जब कलयुग का अंत समय आएगा तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म संबल में होगा, कलिक रूप अवतार। मेरे भैया उधर में बताया जाता है अस्तु परिच्छत श्राप का अब सुनिए निर्वाण, यथा समय पूरा हुआ शुभ समाप्त विधान। श्री सुखदेव भगवान सोच समझा रहे हैं, बेटा परीक्षित तुम श्रृंगी ऋषि के श्राप से भयभीत तो हो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे तुम्हें मुक्ति का दरवाजा खुला मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे भैया श्री सुखदेव भगवान समझा रहे हैं कि बेटा तुम्हें श्रृंगी ऋषि के श्राप से इतना भय है कि मुझे तक्षक टसेगा। और सुनो मेरे भैया वो तक्षक परीक्षित महाराज को डसने के लिए चलो है। परीक्षित महाराज एक फूल ले लो हाथों में, इसी प्रकार से मेरे भैया तक्षक जब चला है, तक्षक काला नाग बन के परीक्षित को डसने के लिए जा रहा है, तो रास्ते में गुरु धर्वंतर से भेंट हुई है,
गुरु धन्वंतर कोई ऐसे वैसे नहीं थे जो जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय ये 14 रत्न निकले थे। गुरु धन्वंतर अमृत का कलश लेके निकले थे, वो धन्वंतर गुरु थे जो राजा परीक्षित के गुरु थे। धन्वंतर राजा परीक्षित के द्वार की तरफ जा रहे हैं तो तक्षक काला नाग बन के चलो है मेरे भैया। गुरु धन्वंतर से भेंट हुई है तो तक्षक बोलो महाराज कहाँ जा रहे हो। धन्वंतर बोले मैं अपने परीक्षित के दरबार के लिए जा रहा हूँ। अरे वहां क्या करोगे? मेरे शिष्य को आज काला तक्षक डसेगा और मैं उसकी जान को बचाने के लिए जा रहा हूँ। महाराज धन्वंतर की नजर ऐसी थी कैसा भी सर्प डस लेता, जहां तक उनकी नजर जाती वहां तक सारा जहर समाप्त हो जाता था। तो तक्षक ने सोचा है कि अगर मैंने परीक्षित को डसा तो ये उसको जिंदा कर लेंगे। अब तो धन्वंतर गुरु कहने लगे सुनो तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। धन्वंतर गुरु बोले हैं अरे हमसे झगड़ा मत करो, अरे ये हरा भरा बाग है मेरी, अगर इस हरे भरे बाग की तरफ नजर पड़ गई तो सारा बाग सूखा हो जाएगा। तो तक्षक बोला अच्छा कि देखो सूखा तो होगा ही और मेरी अगर नजर पड़ भी गई तो मैं हरा भी कर सकता हूँ, हरा भरा भी कर सकता हूँ। तो तक्षक बोलो अच्छा कृष्ण अब हमारी सुन लो। तक्षक ने जब अपनी फुसकार मारी तो सारी हरी भरी बगिया को सूखा कर दिया है। और जब गुरु धन्वंतर ने अपनी आंख पसार के देखो, जब दृष्टि पड़ी है तो सारा बाग हरा भरा हो गया। तक्षक सोचन लगो कि ये तो कोई धर्मात्मा लग रहे हैं, परीक्षित को मरने नहीं देंगे। मेरे भैया गुरु धन्वंतर आगे के लिए बड़े हैं तो सबसे आगे जाए कि वो तक्षक एक लाठी बन के मार्ग में पड़ो है। तो महाराज धन्वंतर जा रहे हैं तो एक लाठी उसी को देखा है तो गुरु धन्वंतर ने उठाया और अपनी पीठ पर डाल लिया है। कुछ दूर चले चले हैं तो वो तक्षक जो था लाठी बन गया था, उसका मुंह पीछे के लिए था। तो उसने सोचा कि अगर इन गुरु धन्वंतर को मैं कहीं और जगह खाऊंगा तो ये खुद अपना इलाज अपने हाथों से कर लेंगे, इसलिए काला नाग बन के गुरु धन्वंतर को जब पीठ में खा लिया है तक्षक ने पीठ में खा लिया, क्योंकि धन्वंतर की नजर पीठ पे तो नहीं जा सकती है। एकदम से नाग ने खाओ तो वहीं पे बैठ गए। अपने 1400 चेलाओं से कहा है चेला अरे मुझे यहीं पर गाड़ करके मेरे ऊपर डाक बजाना शुरू कर दो तो तुम्हें जिंदा हो सकता हूँ, अगर ऐसा नहीं करते हो तो मेरी मृत्यु हो जाएगी मेरे भैया। इसलिए गुरु धन्वंतर को मिट्टी में दबाई लो है सभी चेलाओं ने और ऊपर डाक बजाने लगे हैं। कैसे बजा रहे हैं? अरे मीठी बोली को क्या
ऐसी डांग बजा रहे हैं। ए जगह अपनों को दे ले सी।